दोस्तों हम पहुँचे हैं बक्ताखेड़ा में और यहाँ पर राजेश सरपंच का पूरा ब्रैगी समाज स्वागत करते हुए जिला पार्षद तो भाई साहब समर्थन की बात करी उम्मीदवार और भी है मैदान में तो इन में से क्या खास बात है कि राजेश चंद्रमती को चुने ये राजेश चंद्रमती बिल्कुल ईमानदार और इन्होंने पूर्व सरपंच भी रहे हैं उससे पहले भी उनकी वाइफ सरपंच भी रही थी उन्होंने अपने गाँव में काफ़ी प्रोग्रेस करके दिखाई है और हमें इन्होंने काफ़ी विकसित कार्य गाँव में करके दिखाए हैं और हम हमारी इस वर्ष से पूर्ण ये आस्था पूरा विश्वास है कि ये विजयी होंगे। राजेश चंद्रमती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाई साहब पूछा भी गया पूछा रहे हैं नमस्कार जी भाई साहब समर्थन मिलने लायक है कदा कदम आंधी आ रही है आंधी को तूफान हो रहा है देखिए वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो आज मैं उसका फल लेने लग रहा हूँ क्योंकि जो आदमी अच्छे कर्म करेगा तो उसको फल वैसा ही मिलेगा। मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ा फल में को फल मिल रहा है ये गरीब जनता का बिल्कुल जहाँ भी जाता हूँ गरीब आदमी मेरे को खाना खिलाते मेरा रास्ता रोकते हैं कि राजेश भाई आप खाना खाओ नहीं करना। आज मैं इस वार्ड के माध्यम से इस बुजुर्गों के माध्यम से इस गरीब समाज के माध्यम से किसान के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कोई IPS लगता है IAS लगता है फौजी लगता है वही करता है। आज DC की मीटिंग है तो वो आदमी साथ नहीं जा सकते कोई विकास के बारे में उसको पता होना चाहिए विकास कैसे होता है। मैंने एक विकास सबसे बड़ा ये विकास कर दिया एक 36 बरादरी के भाईचारे को एक करने की बात लाठ के पांच गांव में बिल्कुल आप मुकाबले में किसने मान लो देखिए मैं लाठ के पांच गांव में मेरे अपने गांव हैं मेरा भाईचारा है मैं किसी के भाईचारे के ऊपर कोई भी वो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो 12 के 12 गांव में भाईचारा है। आज मेरे को अच्छा लगा कि मेरी एक पहली सीढ़ी जो मैंने भाईचारे को बढ़ाने की बात करी थी आज उन भाइयों से तो पांच लगा कि उन्हें पांच गांव कहने की बजाय 12 गांव की बात करी ये अच्छी बात है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ वो बाजार कहाँ लगता है जहाँ पे गरीबों की वोट बिकती हैं। मैं ये कहता हूँ ये मेरा भाई जो वोट खरीदने की बात करता है राजेश के ऊपर ब्लेम लगाता है ये उसकी अच्छी बात है। फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ जनता से वो एक गरीबों के मुंह पे मजाक है थप्पड़ है गरीबों के मुंह पे क्योंकि आज कोई भी आदमी अपना ईमान नहीं बेचता अगर कोई बेचता हो तो मेरे को ये बता दे कि वो बाजार कहाँ लगता है हम भी कम से कम देखें किसी भी गांव में एक व्यक्ति भी कोई वोट बेचता हो। मैंने गांव की बुजुर्गों की गरीबों मनरेगा मजदूरों को काम हाँ जी सुनीता जी अगर आपको 12 गांव आशीर्वाद देते हैं जीतने का तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? अगर हमें 12 गांव जीतने का मौका देते हैं तो हम सबसे पहले गरीब आदमी के सर पर छत नहीं है उन गरीब आदमी के सर पर छत का प्रबंध करेंगे और गली है पानी है जो भी समस्या है सब शिक्षा है सारी मतलब सब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे हम। आपने जजवंती गांव में कितने कार्य करे जी? हमारे जजवंती गांव में हमने आज तक स्टेडियम बनवाए हैं गली पक्की है पानी की व्यवस्था है गांव में कम हमने प्लॉट गरीब आदमियों के प्लॉट भी कटवाए हैं और कॉलोनी भी निकलवाई है और जो रास्ते बंद थे फिरनी भी खुलवाई है अब कब्जे थे जो वो सब हटवाए आपने रास्ते भी खुलवाए रास्ते भी खुलवाए हैं जहाँ पर बीड़ी गली थी अब जजवंती गाँव में हरेक गली पक्की है और हरेक गली खुली है चाहे कैसे ही कितने साधन निकलो। तो अब जैसे आपने गांव में सरपंच रहे भाई साहब तो गांव का काम करे अब गांव से बाहर भी काम करना चाहते अब हो? हम पूरे मतलब पूरे वार्ड के को चमकाना चाहते हैं जो 12 गांव हमारे जो पिछड़े हुए हैं 12 गांव हम उनको आगे ले आना चाहते हैं और उनका लेवल है जो हम चाहते हैं कि वो ऊंचे शिखर तक जाएं और ऊंचे शिखर तक पहुंचाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और 12 गांव ने पूरा सपोर्ट किया है पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। ये थी हमारे साथ सुनीता ठावाड़ से और इन्होंने जो अपनी रूपरेखा थी वो बताई और मैं तो ये कहूँगा जी भगवान आपको सफलता दे इसी तरह अभियान अपना जारी रखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा और क्या काम करोगे जी आप?
जी हम इलेक्शन लड़ते हैं चेयरमैनी के लिए, चेयरमैनी के लिए, चेयरमैनी के लिए, मेंबर के लिए नहीं लड़ते, मेंबर के लिए लड़ते हो, चेयरमैनी के लिए लड़ते हैं। अगर चेयरमैनी हमारे बारे में आती है तो इससे हम अपने जो हमारा वार्ड है 18 वार्ड, हाँ, तो उसको हम चेयरमैनी से ज्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। मेंबर बनने से कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं के लिए इलेक्शन लड़ रहे, चेयरमैनी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने मतलब अपने 12 गांव को, अपने वार्ड को हम मतलब ज्यादा से ऊंचे लेवल पर देखना चाहते हैं। और गरीब, खासकर गरीब लोग, जनता है जो, हम उसको अपने बराबर के लेवल पर लाना चाहते हैं। और गरीब लोगों के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं और गरीब लोग हमारे लिए कर रहे हैं। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देहरादून पे सुनीता जी, और इसी तरह अपना अभियान जारी रखिए और भगवान आपको सफलता दे। ठीक है जी, धन्यवाद, जय।